सिटी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इन व्लादिवोस्तोक सिटी। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और सारे एनएमसी रूल्स को भी फॉलो करती है। हॉस्टल्स आपको मेनली 2 सीटर या 3 सीटर रूम्स आपको मिलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अंदर वीडियो ऑफ एमबीबीएस इन्फो। सो इस साल हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस देखने को मिल रहे फॉर एमबीबीएस इन रशिया, और ये ऑब्वियस भी था बिकॉज जितने भी कंट्रीज हैं अब्रॉड में उनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन करंटली अभी रशिया निकल के आ रहा है, और पिछले काफ़ी सालों से रशिया ही मैक्सिमम बच्चे चूज़ कर रहे हैं। नाउ रशिया में भी इस साल जैसे काफ़ी सारी यूनिटीज़ हैं जिनकी फ़ीस अलग अलग रहती है, तो जो यूनिटीज़ थी जिनमें जिनका ज़्यादा अवेयरनेस थी, जिनका ज़्यादा लेग से प्रमोशन होता, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और कुछ में सीट भी फुल हो चुकी है एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद में। जैसे कि कैमरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जहाँ पे सीट 200 थी लेकिन बच्चों ने 700 ने अप्लाई किया हुआ था, तो सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स का यहाँ पे एडमिशन हो रहा है। नो अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जो कि काफ़ी टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ है लेकिन उनके बारे में इतना अवेयरनेस नहीं है क्योंकि उनके रिगार्डिंग किसी ने कैंपस टूर नहीं बनाया, किसी ने हॉस्टल टूर नहीं बनाया, कोई ज़्यादा इन्फॉर्म करता नहीं है, फिर काफ़ी को पता भी नहीं है। तो इनमें से एक जो टॉप यूनिवर्सिटी उभर के आती है, डेट इज़ दी पैसिफिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। नाउ ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है व्लादिवोस्तोक सिटी में। व्लादिवोस्तोक वही सिटी है जहाँ पे फार ईस्टर्न फ्रंट यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। सो बेसिकली व्लादिवोस्तोक सिटी में 2 यूनिवर्सिटीज़ लोकेटेड है। पहला है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी और दूसरा है पैसिफिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो इस साल हमें काफ़ी एप्लीकेशंस देखने को मिली फॉर फार ईस्टर्न फेडरलिटी। जितनी सीटें थी उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस इस यूनिवर्सिटी में इस साल गई थी। रीज़न बिकॉज ये सिटी व्लादिवोस्तोक सिटी में लोकेटेड है, वर्ल्ड रैंकिंग भी अच्छी है, कैंपस भी जो है सारा एक जगह पर लोकेटेड, और काफ़ी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटी का। सो सिमिलर यूनिवर्सिटी है पैसिफिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि व्लादिवोस्तोक सिटी में लोकेटेड है। सो क्लिनिकल एक्सपोजर आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा इस यूनिवर्सिटी में बिकॉज काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी का सबसे लार्जेस्ट हॉस्पिटल है व्लादिवोस्तोक सिटी में और सिटी सेंटर में लोकेटेड है, तो पेशेंट फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। व्लादिवोस्तोक सिटी की पॉपुलेशन वैसे काफ़ी अच्छी है और जो कैंपस है यूनिवर्सिटी का, जैसे कि जो हॉस्पिटल्स है, जो अकेडमिक बिल्डिंग्स है, इवन जो हॉस्टल्स है, वो एक ही कैंपस पर लोकेटेड है। नाउ ये यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं है कोई रिसेंट नई यूनिवर्सिटी है, काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1958 में, तो ऑलमोस्ट 66 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी है एंड इट इज़ अ गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे रिकॉग्निशन कैसा है, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है क्या सभी मेडिकल काउंसिल से? तो इसका आंसर है येस। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड एक्टिव मेडिकल स्कूल पे लिस्टेड है एंड इफ यू गो टू द स्पॉन्सर नोट इट इज रिकॉग्नाइज बाय द एमसीसी एंड ईसीएफएमजी एज वेल। प्लस यूनिटी इंडिया में एज वेल एज इन रशिया रिकॉग्नाइज है। तो यहाँ से एमबीबीएस करने के बाद आपकी डिग्री पूरे वर्ल्ड वाइड में वैलिड रहेगी। तो यहाँ से एमबीबीएस करने के बाद आप जिस भी कंट्री का लाइसेंसिंग एग्जाम देंगे वहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहे, फर्दर स्टडीज़ करना चाहे, तो वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि यहाँ पे मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश रहेगा या फिर बायलिंगुअल? तो पैसिफिक स्टेट में काफ़ी सालों से इंग्लिश मीडियम कोर्स चल रहा है, तो आपकी कंप्लीट 6 ईयर्स की जो स्टडी है वो इंग्लिश मीडियम में रहेगी। प्लस यूनिवर्सिटी सारे एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफिल करता है। नाउ अगर हम सारे फैक्टर्स देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे एजुकेशन, तो एजुकेशन आपको टॉप नोच मिलेगी यहाँ पे। एक्सपोजर आपको अच्छे होने वाला है क्योंकि काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है विद अ वेरी ह्यूज पेशेंट फ्लो। थर्ड हॉस्टल्स, ना हॉस्टल्स का बच्चों का कंसर्न आता है कि हॉस्टल फैसिलिटीज ऑफकोर्स अच्छी होनी चाहिए ताकि आपका वहाँ पे जो स्टे है वो कंफर्टेबल रहे। तो यहाँ पे मेनली 2 हॉस्टल्स है जो कि कैंपस पे ही लोकेटेड है और मेनली 2 सीटर 3 सीटर रूम्स यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, तो हॉस्टल भी आपको काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पे रहेगा। कुकिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे इंडियन मैस अवेलेबल नहीं है, तो आपको सेल्फ कुकिंग यहाँ पे करनी होगी। नाउ बात करते हैं इसके बजट की, तो यहाँ पे जो टोटल फीस है यूनिवर्सिटी की, अगर हम इसकी ट्यूशन फी जो कि तकरीबन 4.5 लाख है, जिसको आप सेमेस्टर वाइज ईयरली भी पे कर सकते हो, इट इज़ इन रूबल्स। इसके अलावा जो हॉस्टल, इंश्योरेंस, चेकअप, ये सारा एक्सपेंसेस आप मिला लेते हो, तो टोटल जो एक्सपेंस आता है फॉर द एंटायर 6 ईयर्स इस यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करने का, वो आता है अप्रोक्सीमेटली 28 लाख फॉर द कम्प्लीट 6 ईयर्स। नाउ ये रूबल्स में है, रुपीज़ में अफकोर्स ये करेंसी कन्वर्जन रेट के अकॉर्डिंग चलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप व्लादिवोस्तोक ट्रैवल कैसे करोगे? तो फर्स्ट वे आता है डेट यू कैन ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू मॉस्को और इंडिया टू दुबई और शारजा और टू मॉस्को, एंड मॉस्को से डायरेक्ट फ्लाइट चलती है फॉर 8 आवर्स टू व्लादिवोस्तोक सिटी। नेक्स्ट वे है कि आप विया ताशकंद या फिर विया अल्माटी आप नोवोसिबिर्स्क ट्रैवल कर सकते हो, और नोवोसिबिर्स्क से आप सेकंड फ्लाइट ले सकते हो टू व्लादिवोस्तोक सिटी। जो फ्लाइट्स का एक्सपेंस रहता है, एक्चुअली काफ़ी सारे हम देखते हैं मिस इन्फॉर्मेशन है कि फ्लाइट टिकट्स 1 लाख 1.5 लाख तक की होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वन में जो फ्लाइट फेयर पड़ता है इंक्लूडिंग योर इंटरनेशनल एंड इंक्लूडिंग योर डोमेस्टिक फ्लाइट, वो तकरीबन आपका 40 to 45 thousand आता है।
और अगर आप टू वे फ्लाइट कराते हो तो वो आपको अप्रोक्सीमेटली पड़ता है 70,000 to 80,000 आपका पूरा ट्रेवल। तो आपकी फ्लाइट कॉस्ट रहेगी, दो महीने की छुट्टियाँ होती है जुलाई और अगस्त में, उस टाइम पे आप या तो इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकते हो जो वन मंथ की मेडिकल प्रैक्टिस करनी पड़ती है ड्यूरिंग हॉलीडेज, या फिर आप यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में आप मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है, ठीक है, काफ़ी एडवांस हॉस्पिटल है इन द सिटी सेंटर, प्लस जो कैंपस भी है सिटी का वो एक ही जगह पे है, तो आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ेगी, आप इजीली बाय फुट ट्रैवल कर सकते हो। किसी भी अकेडमिक बिल्डिंग में आपको जाना है, हॉस्पिटल में जाना है, या फिर आपको हॉस्टल जाना है, तो आपका वॉकिंग डिस्टेंस सारा रहेगा और सारा, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिटी सेंटर में लोकेटेड है, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल करना पड़ेगा टू गेट ग्रोसरीज एंड ऑल, तो आपको सारा सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा क्योंकि आप कंफर्टेबली आपकी मेडिकल स्टडीज़ कर सकते हो एक टॉप यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे आपको अच्छे एजुकेशन, अच्छा आपको एक्सपोजर, अच्छा आपके हॉस्टल्स मिल रहे हैं, क्योंकि एक्सपोजर अब अच्छा होना काफ़ी मैंडेटरी हो गया है। क्योंकि जब आप इंडिया वापस आओगे तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम देने वाले हो जो कि मेनली क्लिनिकल बेस्ड होने वाला है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप क्लिनिकल एक्सपोजर वहाँ पे अच्छा रहे। अगर आपको कोई भी डाउट है सिटी के बारे में तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो दिए नंबर पे, एंड करंटली एडमिशन्स यहाँ पे ओपन है क्योंकि ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है सिटी के बारे में, लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी तो यहाँ पे भी एडमिशन जल्दी बंद हो जाएंगे। तो अभी सीट्स अवेलेबल है, यू कैन अप्लाई एंड गेट एडमिशन लेटर लाइक विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज एज वेल।